में बात करेंगे नशे की। नशा एक ऐसी समस्या बन चुका है, युवा इसके दलदल में लगातार फंसता जा रहा है। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी नशे का कारोबार फैल रहा है। सोनीपत में पुलिस ने 50 किलोग्राम हेरोइन को बरामद किया है और कुंडली के एक कोल्ड स्टोरेज से यह नशे की बड़ी खेप बरामद की गई है। आखिर यह खेप यहां कैसे पहुंची, यह अभी भी पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इतना ही नहीं, नशा इतना हावी हो चुका है कि अब नशे की लत से युवा अपराधी तक बनते जा रहे हैं। नशा, ये वो समस्या है जो देश के भविष्य को खराब कर रहा है। नशे का कारोबार फल फूल तरह पिटाई से घायल ये युवक भीड़ से गुहार लगा रहा है, रहम कर दो। बात जिसके मन में आया उसी ने अपना हरियाणा में भी पांव पसार दिए हैं। सोनीपत में पुलिस की स्पेशल सेल ने 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। स्पेशल सेल की टीम ने सोनीपत के कुंडली में एक गोल्ड स्टोर पर छापा मारा तो वहां से दो अफगानी युवकों को नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। लेकिन नशे की इतनी बड़ी खेप यहां कैसे पहुंची, ये कोई नहीं जानता। पुलिस की स्पेशल टीम ने सोनीपत के कुंडली इलाके में कोल्ड स्टोरेज से भारी मात्रा में भले ही हेरोइन को बरामद किया हो, लेकिन सोनीपत पुलिस को इस मामले की भनक तक नहीं है। इस बारे में जब हमने सोनीपत की पुलिस के आला अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस की है, उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सवाल यह उठता है कि सोनीपत के कुंडली में इससे पहले भी हेरोइन बरामद की जा चुकी है और ये दूसरा बड़ा ऐसा मामला है जब करोड़ों रुपए की हेरोइन को इस तरह से अवैध तरीके से छुपाया गया और रखा गया। इतना ही नहीं, नशे की लत से अब युवा अपराधी बनने लगे हैं। नशे ने इस कदर युवाओं को जकड़ लिया, वो मौत के कष्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मामला यमुनानगर का है, जहां एक युवती की नशे की लत पूरी नहीं हुई तो उसे चोरी करने की सोची, तो रात के अंधेरे में उसने पुरानी अनाज मंडी के पास एक घर के बाहर खड़ी स्कूटी चुरा ली। पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया है और स्कूटी भी बरामद कर ली है। 20 तारीख की रात को करीब 1 बजे पुरानी अनाज मंडी से एक लड़का एक लड़की की जिसकी वीडियो आ रही है, उन्होंने एक एक्टिवा चोरी की थी, जिसके संबंध में कल हमारे को एक रिटर्न कंप्लेंट मिली थी जिस पर FIR लॉज की गई थी और दौरान तफ्तीश लड़की को एक्टिवा समेत काबू किया गया था, जिसको मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के आदेश के अनुसार जेल में छोड़ दिया गया है। उसके दो अन्य साथी राजन और एक राजन नाम का एक मुर्गा और गौरव, दो व्यक्ति फरार है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि नशा किस कदर हावी हो चुका है कि युवा अब अपराध करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों सरकार कितने प्रयासों के बाद भी नशे पर लगाम नहीं लग पा रही है। वहीं नशे के खिलाफ उत्तर भारत के 8 राज्यों ने भी हाथ मिलाया है। इन राज्यों ने नशा मुक्ति अभियान भी चलाया है, 2 बार बैठकें भी हुई लेकिन अभी तक नशे पर रोक नहीं लग पाई। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हरियाणा की फिजाओं में नशा घुल रहा है, गली गुजों में नशे के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं। आखिर नशे के फैलते मकरजाल का कसूरवार कौन है? सोनीपत में नशे की इतनी बड़ी खेप कैसे पहुंची? जिस हरियाणा को खेलों के लिए जाना जाता था, उस हरियाणा की नसों में आखिर नशा आपसे सरोकार है। खबरें ऐसी हमने भी पास के गोदामों को भी अपनी चपेट में ले लिया, मौके पर दमकल की। तो वाकई में कई गंभीर और अहम सवाल इसके साथ बरकरार हैं कि आखिर हरियाणा किस तरीके से जो नशे की जद है उसमें आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ग्राफिक्स भी चलिए आपको अब इस मुद्दे से जुड़े हुए दिखा देते हैं कि दरअसल किस तरीके से जो नशा है वो लगातार बढ़ रहा है। इस फैलते नशे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इंडिया न्यूज हरियाणा कुछ सवाल उठा रहा है। तोड़ते पंजाब के बाद अब उड़ते हरियाणा का कसूरवार कौन है, ये सबसे अहम सवाल है। और किस लापरवाही से ये जो नशे का मकड़जाल है वो इस वक्त हरियाणा में फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कवायद बहुत हो रही है। जहां नशों में दौड़ता है दूध दही, उन नशों में ये नशा कैसे दौड़ रहा है, ये भी अपने आप में सवाल है। और हेरोइन की जो खेप बरामद की गई है सोनीपत के कुंडली से, ये यहां पर पहुंची कैसे, बैठकों के बाद कितना सफल हुआ है नशा मुक्ति अभियान, ये भी अहम सवाल है। क्योंकि नशा मुक्ति अभियान और तमाम बैठकें आपने पिछले दिनों देखी होंगी, और फैलते हुए मौत के कश पर लगाम कैसे लगेगी, ये सब अहम सवाल है। तो चलिए अभी नहीं, सब सवालों के साथ आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा देता हूं। अरविंद भरद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जजपा के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है अरविंद भरद्वाज जी आपका। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजय शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। जगबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व SP हैं, जगबीर सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। सुखबीर तंवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, NLO के प्रवक्ता हैं, सुखबीर तंवर जी आपका भी स्वागत।
और अमित नेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत संजय शर्मा जी आज आपसे ही करेंगे। देखिए, आप लोग लगातार कवायद बहुत कर रहे हैं कि नशे का जो कारोबार है उसको रोका जाए, नशे पर लगाम लगाई जाए, नशा मुक्ति अभियान, तमाम तरीके के अभियान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों हम लोग तमाम खबरों को पढ़ रहे हैं, लगातार नशे के खेप बरामद हो रही हैं, दरअसल लगाम लगेगी कैसे, ये एक अहम सवाल बरकरार है। आपका पहला कमेंट चाह रहा हूं संजय जी। संजय जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, कुछ तकनीकी समस्या है। आप अरविंद जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे देख पा रहे हैं, देखिए तमाम मुक्ति अभियान कार्यक्रम सब चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से नशे की जो खेप बरामद हो रही है, पकड़ी जा रही है, कैसे इन चीजों को देख पा रहे हैं? आयुष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिस तरह के प्रयास कर रही है वो नाकाफी है। सरकार ने अभी तक नशे के खिलाफ जो अभियान चलाए हैं मुख्यमंत्री जी ने, वो मीटिंग जो बैठकें हैं उनकी उन वहीं तक सीमित हैं। अगर ये बैठकें जब सरकार बनी थी तब की गई होती हैं, और उसके बाद एक रूपरेखा बना के एक प्लानिंग के साथ इनको अगर एक मिशन मोड में लेकर काम शुरू किया होता तो मैं ये नहीं कहता कि 100% ये खत्म हो जाती, परंतु काफी हद तक इस पर लगाम 4.5 सालों में लगाई जा सकती थी। परंतु जिस तरह से अब लास्ट में जब चुनाव आने वाले हैं, अब सरकार चेती है, पीछे भी एक दो बार मीटिंगें की थी, अभी फिलहाल में भी अड़ोस पड़ोस के जो हमारे राज्य हैं उनके DGPs को बुलाकर मीटिंग की गई, परंतु ये बहुत देरी से और बहुत बहुत हल्का उठाया हुआ कदम है, जबकि स्थिति बहुत भयावह है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 2016 में हरियाणा में लगभग 657 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिसकी मार्केट कीमत 3300 करोड़ आंकी गई है। 2016 में 3300 करोड़ की सिर्फ हेरोइन बरामद हुई थी, जबकि नशे के और भी बहुत से पदार्थ हैं जो बरामद किए जाते हैं। 2017 में 2406 केस दर्ज हुए इस नशे के खिलाफ, जो नशा पकड़ा गया। इसी तरह 2017 की अगर बात करें तो गांजा को 747 केस हुए जिनमें पकड़ा गया गांजा, हशीश के 235, हेरोइन के 569, अफीम के 122, चूड़ा पोस्ट के 848। मतलब ये आंकड़े की बात नहीं है, ये जो स्थिति है ये बद से बदतर होती जा रही है। और जो पीछे का एक आप उदाहरण भी दे रहे थे, अभी एक लड़का एक लड़की ने जो स्कूटी जो चोरी कर रहे थे और सिर्फ नशेखोरी की वजह से, ऐसे बहुत से उदाहरण है। अभी कुछ दिन पहले एक जिले की एक घटना है जहां एक लड़की ने अपने पिताजी का मर्डर किया क्योंकि वो उन्हें पैसे नहीं दे रहे थे नशे के लिए। तो ये स्थिति सिर्फ बात करें सिर्फ ये स्थिति सिरसा, अंबाला, फतेहाबाद, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझते हैं पंजाब से जो लगता हुआ एरिया वहां की ये समस्या है, वहां की नहीं, आज हरियाणा की सभी जिलों में ये स्थिति है। हम फरीदाबाद, गुड़गांव की अगर बात करें, रोहतक, सोनीपत में तो आज खेप पकड़ी गई है। और आप ताजुब मानिए कि जब आज खेप पकड़ी गई है तो क्या इससे पहले इस तरह की जो नशीले पदार्थ है वो नहीं आते रहे? इनकार नहीं किया, परंतु हरियाणा पुलिस ने तो नहीं पकड़ी, ये दिल्ली पुलिस की कार्रवाई थी जिससे पकड़ा गया। कहीं ना कहीं साठ गांठ इन लोगों की, मैं ये नहीं कहूंगा सभी अधिकारी एक जैसे हैं, परंतु कुछ ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं जो अपने निजी फायदे के लिए इस तरह की ढील देते हैं या इस तरह की जो कार्रवाई है उनको करने में वो झिझकते हैं। जैसे हम अपने फरीदाबाद से ही देखते हैं, जो भी हमारी स्लम बस्तियां कॉलोनियां जो चल रही हैं उन सभी में इस तरह के गोरख धंधे आम हैं, और इस तरह की वारदातों में जब शिकायत आती है कुछ लोग गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं, परंतु या तो राजनीतिक दबाव की वजह से या पैसों के लालच में उनको बाद में छोड़ दिया जाता है और अगले दिन फिर वो यही काम करने लगते हैं। मैं एक और नशे को लेकर एक और जानकारी दूंगा, आज शायद कुछ लोगों के लिए जो सुन रहे होंगे, टीवी को देख रहे होंगे, उनके लिए एक नई बात होगी। हमारे यहां जो शराब के ठेके दिए जाते हैं, मान लीजिए मेरे अपने क्षेत्र परथला विधानसभा में 10 शराब के ठेके दिए गए सरकार की तरफ से, तो 10 की जगह 100 शराब के ठेके चल रहे हैं। मतलब एक शराब के ठेका जो अलॉट किया गया है उसके साथ 9 ठेके और बिना लाइसेंस के चलाए जाते हैं। मतलब एक गांव का ठेका दिया, आसपास के एरिया में बिना लाइसेंस के लोग चलाते हैं उसी एक ठेके से। या तो पॉलिटिकल शय होती है या पैसे का उनका लेन देन है, जिससे कि सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी है वो कार्रवाई नहीं करते। तो इस नशाखोरी को समाप्त करने के लिए सरकार को एक मिशन मोड लेना पड़ेगा, सिर्फ मीटिंगों से ये नशा जो है, ठीक है, जो पंजाब में हाल है वही हरियाणा में है, कोई ठीक है। संजय जी, देखिए बहुत गंभीर स्थिति है, कहीं पंजाब वाली स्थिति ऐसा ना हो हरियाणा की हो जाए, और जो मिशन मोड पे काम करना चाहिए उसमें कमी कहीं नजर आ रही है शायद। संजय जी, नहीं ऐसा नहीं है,
हरियाणा की सरकार इसको मिशन मोड पर ही काम कर रही है और जो पहल की है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी ने अगस्त 2018 के अंदर की थी, जब उन्होंने उत्तर क्षेत्र के सभी मुख्यमंत्रियों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करके और इस नशे की गंभीर समस्या का ध्यान सबका आकर्षित किया था ताकि इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई संयुक्त रणनीति बनाई जा सके और उसी संयुक्त रणनीति का परिणाम ये है कि एक सचिवालय पंचकुला के अंदर खोला गया है जिसके के अंदर एक एडीजीपी स्तर के नोडल अधिकारी बीके अग्रवाल जी है उनको बनाया गया है। अगर हरियाणा सरकार इस बारे में जागरूक है तभी तो हरियाणा सरकार ने इस चीज का इनिशिएटिव लेकर के ये कदम उठाए हैं। और जहां तक ये बात आप कर रहे हैं कि ये जो बातें आ रही है, अगर सरकार जागरूक है, अगर विजिलेंट है, तब तो इस तरह के खेपे पकड़ी जा रहे हैं, तभी तो इस तरह के जो नशे के कारोबारी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनको रेड किया जा रहा है। जो अभी मेरे मित्र अरविंद भारद्वाज जी मुकदमों की बात कर रहे थे, देखिए मुकदमे तब दर्ज होते हैं जब सरकार चाहती है, जब प्रशासन ये चाहता है कि ऐसे सब पकड़े जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और कार्रवाई होकर ही उनके खिलाफ कोर्ट में जाया जाए। लेकिन हमारा कानून थोड़ा इस तरह का है कि ऐसे लोग छूट जाते हैं, इसलिए हरियाणा सरकार ने इस बार की पहल की है हम इन कानूनों को और सख्त करें, सजाओं को और सख्त करें ताकि ऐसे लोग छूट ना पाए और उनको सजा हो। तो ये सब चीजें सोच करके ही और इन सब चीजों की प्लानिंग करके ही सरकार आगे बढ़ रही है। हमारी बहुत गहन इसमें चिंता है, इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने ये सब कदम उठाया। अगर दिल्ली की पुलिस ने हरियाणा में रेड किया है तो वो भी किसी ना किसी तालमेल के आधार पर तो रेड किया है। अभी कुछ दिन पहले 600 करोड़ रुपए की एक खेप पकड़ी गई थी, तो उसके आधार पर ही जो चीजें समझ में आई है, जो चीजें क्लूज मिले हैं उसके आधार पर ही। देखिए संजय शर्मा जी, आवाज आपको थोड़ी डिले पहुंच रही है, थोड़ा सवाल सुन लें आप ध्यान से, और जो बाइट्स हम लोगों ने चलाई अगर उसको आपने ध्यान से सुना हो तो देखिए उसमें हमारे जो सहयोगी मौजूद थे उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत की है। हैरान करने वाली बात तो ये है ना कि उनको तो जानकारी ही नहीं, दिल्ली पुलिस आकर के कार्रवाई करके चली जा रही है, उनके पास तो जानकारी नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि आपका कोऑर्डिनेशन है और उनके पास जानकारी रही होगी? यही तो सबसे गंभीर स्थिति है ना। स्थानीय पुलिस प्रशासन के पास इसकी जानकारी नहीं होगी ऐसा मैं मान सकता हूं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन के लिए एक सचिवालय चंडीगढ़ के अंदर बनाया गया है, वहां एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी हैं, उनका जरूर तालमेल सब लोगों के साथ है, सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ है, और उस तालमेल के आधार पर जो सूचनाएं मिलती है उसका आदान प्रदान होता है, तो वो सब जानकारी है, चाहे वो जितने भी माध्यम है सूचना के, ठीक है, उसके आधार पर। सुखबीर तंवर जी किसको जिम्मेदार मान रहे हैं, आपका कमेंट। आयुष जी, जिस प्रकार से पंजाब उड़ता रहा है आज हरियाणा भी उसी उड़ान पर है। अगर हम नशा तस्करी की बात करें, आज जिस प्रकार से अभी कह रहे थे मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री जी की, मीटिंग से कोई नशा तस्करी का समाधान नहीं है। अभी अभी ये कह रहे थे कि वहां के लोकल पुलिस के संज्ञान में, वो आपने खुद ही इस बात को खारिज कर दिया। देखिए, जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी के पास भी अगर होती है तो उसको सामान्य तौर पे उस ऑपरेशन की कामयाबी के लिए शेयर नहीं किया जाता, तो ये बेफिजूल की बात करनी बंद करें। असल में धरातल पर हरियाणा प्रदेश से, अगर हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त करना है, धरातल पर एक सामाजिक जागरूकता लानी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि जो खुफिया तंत्र फिलहाल है हरियाणा का, खास तौर पे नशा तस्करी के बारे में, तो उस खुफिया तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। आप जो जो भी नशा लेने वाले लोग हैं उनको तो नशा चाहिए। मैं एक सीधी सीधी सी समाधान बताता हूं, आप अपने इन्फॉर्मर को जो नशा करने वाले लोग हैं उनके पीछे लगा, वो कहीं ना कहीं से नशा लेगा, पकड़ा जाएगा, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। बात बनाने के लिए आप चंडीगढ़ में मीटिंग कर लो, दिल्ली में मीटिंग कर लो, कोऑर्डिनेशन कर लो, जब तक एक सामाजिक जागरूकता नहीं बनेगी, जब तक जो नशा करने वाले लोग हैं उनके परिवारों के लोग इस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे और वो जब तक आपके सीक्रेट इन्फॉर्मर नहीं बनेंगे, तो ठीक है सुखबीर तंवर जी, बात को तो मैं मान सकता हूँ, सुखबीर तंवर जी, बात को मैं मान सकता हूँ कि उसके इम्प्लीमेंट में प्रॉब्लम है, जमीनी स्तर पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन मीटिंग और बैठक भी जरूरी है ना सर। देखिए सरकार चलाना है तो ये सब भी जरूरी है, व्यवस्थाएं ऐसी बनेंगी, इसमें ठीक है। सुखबीर तंवर जी फोन जरा कान पे लगा ले, मुझे लग रहा है आपके पास हेडफोन ही, आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सुखबीर तंवर जी की ऑडियो डाउन कर दें। अमित नेहरा जी आपके पास आ रहा हूँ, अमित नेहरा जी कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे और इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? ठीक है सुखबीर तंवर जी, सरकार की बात करें विगत के 5 सालों में, अरे सुखबीर तंवर जी की ऑडियो डाउन करें, अगर सुखबीर तंवर जी की ऑडियो डाउन करें, वो फोन कान पे नहीं लगाया। सुखबीर जी आपको मेरी आवाज मिलेगी ही नहीं। ठीक है अमित नेहरा जी, जिम्मेदार किसको मान रहे हैं?
जी 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 आयुष, देखिए अगर बात जवाबदेही की आती है तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आता कहाँ पे है और ये इसकी कंजम्पशन कहाँ होती है, खपत कहाँ पे होती है। हरियाणा में देखिए जो खपत के केंद्र हैं वो या तो पंजाब के साथ जो लगते हुए जिले हैं, जैसे सबसे ज्यादा सिरसा है, फतेहाबाद है, कैथल है, अंबाला है, तो इस बेल्ट में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार है। और दूसरा जो केंद्र है वो है एनसीआर का, एनसीआर में भी खासकर दिल्ली से लगते हुए, और जैसे अपना गुड़गांव है, यहाँ पब वगैरह है, या फरीदाबाद है, तो यहाँ पे ज्यादा इसका प्रचलन है, तो यहाँ पे तो ये बिकता है। अब आती है कि जिम्मेदार कौन है, जिम्मेवार कौन है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए अफगानिस्तान से हीरोइन आती है और वाया पाकिस्तान वो प्रवेश करती है पंजाब में। अब दिक्कत यह है कि पुलिस ये कहती है कि बीएसएफ वाले तस्करी कराते हैं, हम क्या करें। बीएसएफ वाले कहते हैं कि चलो मान लिया हमारे यहां से चली गई किसी तरह तस्करी होके, तो बिकी कैसे, वो लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। बात यह है कि जिम्मेदारी लेने से कोई हर कोई कतरा रहा है, बीएसएफ भी दोषी है इसमें, मैं सीधा सीधा कहता हूं, क्योंकि बॉर्डर से आती है, वहां से आने के बाद फिर पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन को रोके। अब आपको एक सबसे बड़ी अचरज वाली बात बताता हूं, जो जहां पे नशे का प्रचलन ज्यादा है आयुष, जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वहां ज्यादातर थानों में पुड़िया रखी जाती है और मजबूरी में रखती है पुलिस भी पुड़िया, क्योंकि अगर किसी नशेड़ी को पकड़ लाते हैं तो रात को इतना उत्तेजित हो जाता है, जब उसको विड्रॉल सिम्टम जिसको बोलते हैं ना, अगर किसी को नशा ना मिले तो सिर दीवारों से टकराने लगता है, तो उसको शांत करने के लिए पुलिस वाले अनऑफिशियली उसको पुड़िया देते हैं कि कम से कम हमारा पिंड छूटे, अगर ये मर गया तो हमारे ऊपर बात आएगी, हिरासत में मौत का उसका झगड़ा कौन लेगा, उसका मुकदमा अपने सिर कौन लेगा। तो देखिए बात यह है कि ये समस्या इतनी ज्यादा विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसके लिए सामाजिक संगठनों को भी और सरकार को भी और व्यक्तिगत रूप से हर एक को इसमें आगे आना पड़ेगा। एक बात और भी है, देखिए नारकोटिक्स एक्ट जो है उसमें सजा प्रावधान ये नहीं है कि कम हो, मेरे ख्याल से 10 साल है सजा इसमें कम से कम, तो 10 साल कम नहीं होते, लेकिन क्या है कि इतनी ज्यादा लंबा प्रोसेस है, अदालतों का अपराधी बरी हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नारकोटिक्स के पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, लेबोरेटरी में जाएंगे तो वहां पर मिलता है, ये सारी चीजें पंजाब का संगरूर इलाका बाढ़ से सबसे फास्ट ट्रैक कोर्टें होती है ना, इस तरह की कोर्ट बनाई जाए कि महीने के अंदर अंदर उनको सजा मिल जाए, जल्दी सजा मिलेगी तो रुकेगा, अब दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच साल तक मुकदमे लटके रहते हैं इनके, तो सजा कौन देगा और कैसे देगा। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें जुडिशरी का भी सहयोग चाहिए, इसमें पुलिस का भी सहयोग चाहिए, इसमें सरकार का भी सहयोग चाहिए, सामाजिक संगठनों का भी सहयोग चाहिए, तब जाके ये जो अभिशाप है इससे मुक्ति मिल सकती है। कुल मिलाकर सब तरफ से काम होगा तभी इससे निपट सकते हैं। ठीक है जगबीर जी, आप भी जरा समझाएं, क्योंकि आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये जो समस्या है ये आज की नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है, ये बात अलग है कि अभी इसकी जड़ें और गहरी होती जा रही है, फैलता हुआ ज्यादा नजर आ रहा, जिम्मेदार कौन है और रोकथाम कैसे हो सकती, कैसे इस पर कार्रवाई हो, कैसे लगाम लगे, थोड़ा आप भी समझाएं। ऐसी देखो पहले हरियाणा के अंदर ज्यादातर चरस का और गांजे का इस्तेमाल होता था, लेकिन जो अब ये आगे सिंथेटिक ड्रग आ गई है ये बहुत अलार्मिंग भी है। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि भी ये समस्या किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये इसमें सभी सामाजिक संगठनों, खाप पंचायतें, जितने भी एनजीओज हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करके आपस में इस समाधान के लिए सब एकजुट हो जाएं। पंजाब में आपने देखा है कि पंजाब की हालत कितनी खराब हो चुकी थी, अभी हरियाणा के अंदर जो हालात है उसके अंदर मैं महसूस करता हूं कि अभी पुलिस जो है वो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि अभी इन चीजों को कैसे रोका जाए।
ज्यादातर मुकदमे दर्ज होते हैं, जैसे पंजाब में भी दर्ज हुए थे 58,000 केस दर्ज हुए पंजाब में पिछले सालों में, जिनमें से 50,000 से ज्यादा वो हैं जो कंज्यूमर हैं। ऐसे ही हरियाणा में भी हालात हैं कि जो लोग कंज्यूमर हैं सिर्फ उनको अरेस्ट करके उनके पास से 2 ग्राम 5 ग्राम का पर्चा डाल दिया जाता है, जबकि जो मगरमच्छ हैं जो स्मगलर्स हैं उन तक पहुंचा ही नहीं जाता इनसे। तो इसका तरीका सबसे बढ़िया ये है कि भी हर एसएचओ लेवल के ऊपर हर आदमी जो के ड्रग एडिक्ट हो गया है, जो नशेड़ी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाए, उसके परिवार वालों को संपर्क में लिया जाए और जहां से सप्लाई होता है उनके माध्यम से बड़े आसानी से उसको हम पकड़ सकते हैं। ठीक है जगबीर जी, जो सरकार को ही करना है और आप जो सुझाव दे रहे हैं वो आप संजय जी बैठे हैं, मैं उनसे जवाब लूंगा। आप अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आयुष जी, अगर हम ये समझते हैं कि हरियाणा में अभी स्थिति पंजाब से बेहतर है तो ये हमारी गलतफहमी है। मैं आंकड़े पेश करता हूं, 2010 में हरियाणा में तो 51 मौत हुई नशे से और पंजाब में 59, उसके बाद 2012 में हमारे यहां 72 और वहां 91, 2013 में हमारे यहां 100, मतलब पहले हमारे यहां कम थी, अब देखिए 2013 में हमारे यहां 100 और वहां 66 मौतें हुई, 2014 में हमारे यहां हरियाणा में 86 और वहां 38, 2015 में हमारे यहां 54 और वहां 49, मतलब हरियाणा में जो नशे से होने वाली मौतें हैं वो पंजाब से ज्यादा हैं। तो मतलब जो स्थिति है वो हमारे यहां ज्यादा भयावह है कहीं ना कहीं पंजाब में, क्योंकि ये प्रचारित बहुत ज्यादा हो गया कि पंजाब में नशा फैल चुका है, घर घर तक पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने वहां उसे रोकने के प्रयास किए होंगे, परंतु हरियाणा में अब ये स्थिति बहुत भयावह है। इसके लिए हमें कई स्तर पर काम करना होगा। एक तो ये कि जैसे अभी बात जो कर रही थी चल रही थी हमारी, कि हमारे नेहरा जी बता रहे थे कि बॉर्डर, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रदेश की सरकार है तो सेंटर से केंद्र से बात करनी होगी और बॉर्डर सील हो। अब अगर अफगानी लोग इसमें पकड़े गए उस नशे पदार्थ के साथ तो वो कैसे आ गए, बाहर से कैसे आ गई, तो ये बॉर्डर्स पे भी तो कहीं ना कहीं इसकी रोक लगानी पड़ेगी। दूसरा, इसकी जो जड़ है जिसका जिक्र अभी किया था कि ये कहां से आई और किसके पास जा रही है, सिर्फ जिस व्यक्ति के पास पकड़ा गया वो पदार्थ वही अरेस्ट नहीं हो, उसे कहां से मिला, कैसे आया, वो सारा जो नेटवर्क है जब तक वो नहीं टूटेगा, जब तक ये चीज नहीं रुकेगी। इसके साथ सामाजिक जागरूकता, ये भी सरकार को, चाहे वो एनजीओस को इसके साथ जोड़े या और सामाजिक संगठनों को जोड़े, एक जागरूकता चाहे स्कूल और कॉलेज के छात्रों से, क्योंकि यहीं से जो हमारे नौजवान हैं वो इसको नशे की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस में या जहां जिस क्षेत्र में इसका प्रभाव ज्यादा है, जहां ज्यादा गिरफ्तारियां या मौत हो रही हैं, वहां पर ज्यादा सामाजिक जागरूकता के अभियान चलाए जाए। परंतु कई चीजें हम आज भी बहुत आसानी से हमने छोड़ी हुई हैं, जैसे हमारे यहां स्कूल और कॉलेजेस के आसपास 100 मीटर के दायरे तक कोई भी शराब का ठेका, पान का खोका नहीं लग सकता, ये नियम है, कानून है, परंतु सच्चाई में ऐसा नहीं है। जगह जगह हमने अपने शहरों में देखते हैं कि शराब के ठेके, पान के खोके स्कूल और कॉलेज के आसपास या उनके गेट के बिल्कुल सामने बने हुए हैं, उन पर रोकथाम होनी चाहिए। आज पहले ये होता था कि हमारे यहां शराब के ठेके शहरों में भी बाजारों में हुआ करते थे, आज स्थिति है कि चाहे गांव है या कॉलोनी, लगभग सभी गांवों में शराब के ठेके पहुंच चुके हैं और बड़े बड़े गांवों में तो दो दो तीन तीन ठेके भी हैं। तो ये इनकी क्या जरूरत थी, ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि जिसे लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए, इन पर कंट्रोल करना चाहिए, जबकि लोग चाहते हैं कि इन पर रोक लगे, गांव में लोग चाहते हैं कि गांव में ठेका बंद हो, उससे माहौल खराब होता है गांव का, बहन बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं उनके लिए दिक्कतें आती हैं, परंतु फिर भी क्यों इतने ठेके थोक में बांट दिए जाते हैं और जो गांव गांव तक, कॉलोनियों में घर घर तक, रेजिडेंशियल एरिया जो है, रिहायशी एरिया, वहां तक शराब के ठेके पहुंचा दिए। तो जो सरकार कर सकती है कम से कम उन कदमों को तो जरूरी और जल्दी उन कदमों को उठा लेना चाहिए। संजय जी, जवाब दें इस चीज का। बिल्कुल, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इस समस्या को हरियाणा पंजाब के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके के नहीं देखना चाहिए। ये समस्या गंभीर है और हमारे नौजवानों को खा रही है, हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सरकार इसके प्रति जागरूक है। देखिए, प्रशासनिक समस्या तो ये है ही है, लेकिन सामाजिक भी बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए सरकार ने भी 3 सूत्रीय फार्मूला इसके लिए सोचा है और उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि इस
कानून से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनकी ई लर्निंग की व्यवस्था, उनको सारे कानूनों की जानकारी, उसमें क्या क्या किस तरह से किस तरह कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या चीजें चलती है, उनमें हमारा तालमेल किस तरह से हो, इस तरह की एक जागरूकता प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर हम ई लर्निंग के माध्यम से सरकार करने में लगी हुई है। दूसरा, जो इस तरह के अडिक्ट लोग हैं, ड्रग अडिक्ट लोग हैं, उनका उपचार हो, उसके उपचार के केंद्र हो, इसलिए हमने सिविल हॉस्पिटल्स में और जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सब में इस तरह की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुरू किया कि ऐसे सब लोगों का उपचार हो। तीसरा, सामाजिक जागरूकता की जो बात है, ताकि नौजवान जो है इस दिशा में ना जाएं और वो ड्रग के और अपना लेने के और दिशा में उनका दिमाग ना जाए, इसके लिए सरकार ने एक इस तरह कार्यक्रम चलाए हैं। जैसे 1000 व्यायामशालाएं, 1000 से भी ज्यादा व्यायामशालाएं हमने गांव गांव के अंदर खोल ली, ताकि युवा उनमें जाए, एक्सरसाइज करे, स्पोर्ट्स की ओर जाए। इसके लिए संजय जी, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया जो बात अरविंद जी कह रहे हैं। देखिए, शराब के ठेके गांव के अंदर दो दो तीन तीन चार चार की संख्या में पहुंच गए, मैं बता रहा हूं, कम से कम इस पर तो लगाम लगी सकती है। और फिर क्या इस बात की क्या गारंटी कि उन्हीं शराब के ठेकों में भी नशे के भी ये सारे सामान मिलते हों? हरियाणा सरकार ने जो लाइकर की पॉलिसी बनाई है, जो शराब की पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी पंचायत प्रस्ताव पास करके देगी, जो भी नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद प्रस्ताव पारित करके देगी, जिस क्षेत्र का भी वो प्रस्ताव पारित करके देगी, सरकार वहां पर ठेका नहीं खोलेगी, बिल्कुल नहीं खोलेगी। सरकार ने तय किया, अपनी पॉलिसी के अंदर दिया है, इसे जिस भी पंचायत ने इस तरह का प्रस्ताव पास करके दिया है, उसके किसी भी गाँव के उस सीमा के अंदर, उसके आस पास भी शराब का ठेका सरकार ने नहीं खोला, वहां की कोई बोली नहीं की गई है। ठीक है, एक छोटा सा सवाल। हाँ, अभी आपने कहा कि सरकार ने कहा है कि जो भी पंचायत प्रस्ताव पास करके देगी कि हमारे यहाँ शराब का ठेका ना खोले, और आप फिर नहीं खोलेंगे, आपने इसकी बजाय ये नियम क्यों नहीं बनाया कि जो पंचायत ये कहेगी कि हमारे यहाँ ठेका खोल दिया जाए तो उस गांव में हम ठेका खोल देंगे? अगर आप ये नियम बना देते, मुझे नहीं लगता हरियाणा की किसी भी एक पंचायत से आपके पास एप्लीकेशन आती। ऐसा नहीं हुआ करता, सरकार की पॉलिसीज होती हैं, सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए, सरकार को पैसा कमाने के लिए या जनता की सुविधा के लिए बढ़ावा। देखिए, यही तो सवाल है ना, यही सवाल जुड़ेगा इसके साथ। आप ड्रग रेवेन्यू के लालच में आप उल्टे नियम बनाते हैं के साथ या लाइकर के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, ड्रग जो है, सुखी जो नशा है उसमें, और जो लाइकर है उसमें आप इंटरमिंगल मत कीजिए, उसको झालमेल मत कीजिए, दोनों में शराब अंतर है, दोनों के फर्क है, क्योंकि लीगल है। देखिए देखिए, शराब जो है, या तो शराबबंदी हो प्रदेश के अंदर, अगर शराबबंदी है तो सरकार शराब बेचेगी, लेकिन शराबबंदी है नहीं। जब शराबबंदी की थी 1996 में चौधरी बंसीलाल जी की सरकार में, उसके क्या नतीजे निकले थे कि वो शराबबंदी भी वापस लेनी पड़ी थी। तो सरकार को कुछ नीतिगत निर्णय होते हैं, उसके आधार पर लेते। देखिए, ये बहस का ठीक है, एक राज्य में, ठीक है, गुजरात में शराब बंद है, चर्चा कर सकते हैं, गुजरात में आपकी सरकार में शराब बंद है, ठीक है, एक सवाल, हरियाणा के लोगों के लिए शराब नुकसान नहीं करते हैं, गुजरात के लोगों के लिए नुकसान करती है। ये क्या बात है, आप अपना चुनाव घोषणा पत्र लेकर के आइए, चुनाव होने हैं 2.5-3 महीने बाद, आप उसमें लेकर आइए कि हम शराबबंदी करेंगे, आप लोगों में उस विषय को लेकर। गुजरात में एक सवाल सुखबीर तंवर जी का भी लेते हैं, ठीक है संजय जी, एक सवाल सुखबीर जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सुखबीर जी, आयुष जी, सर्वप्रथम तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने हॉस्पिटल्स में और ये कर दिया वो कर दिया, धरातल की सच्चाई ये है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार की तरफ से जो भी नशे से पीड़ित लोग हैं उनके लिए एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। दूसरी बात, मैं ऐसा नहीं है, हमने कहा ना किसी हॉस्पिटल्स में रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, जो संजय जी मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ अगर वो गलत है संजय जी तो आप उसको काउंटर करें, लेकिन आप बात सुने पहले, एक बार बात सुन लीजिए, मैं धरातल की जो बात है वही बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए, सुनने की क्षमता विकसित कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो भी नशा प्रभावित क्षेत्र है, मेरा जो भी नशा प्रभावित क्षेत्र है वहां पिछले 10 साल से कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के लोग वहीं के वहीं नौकरी कर रहे हैं, जबकि होना ही उनकी कहीं ना कहीं नेक्सस है जो ड्रग पेडलर हैं। तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए तो पहला काम यह करना चाहिए कि उनको कम से कम 200 किलोमीटर दूर वहां से ट्रांसफर करें, ताकि वो नेक्सस टूटे, और दूर के अधिकारियों को वहां लगाएं और उन पर लगाम रखें, उन स्टाफ को भी सुपरवाइज करना बहुत जरूरी है। ये कौन सा फर्क? दूसरी बात मैं कहना ये चाह रहा हूं, फॉर्मूला है कि वहां के अधिकारी आ जाएंगे, वो दिल्ली यहां हमारे से लिप्त है, ये कौन सा फॉर्मूला है?
अरे एक जो दस आप बीच में बोलेंगे आप बाद में कह लेना, मेरा कहने का भाव ये है कि 10 साल 15 साल 20 साल से उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं नेक्सस है उनके साथ, आपको समझा जाता कोई है नहीं। संजय शर्मा जी ने नेक्सस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर एक ही जगह पर कोई बौद्ध के अंदर जमा रह रहा है तो हो सकता है कि उसकी भी गांठ साठ गांठ हो उसके साथ, वो इस पर इशारा कर रहे हैं। जब आपको अंदाजा नहीं है चीजों का सर जरूरी बोलना। ठीक है सुबीर जी, बहुत जल्दी तक खत्म करें। ठीक है सुबीर जी, देखिए समय कम है। ठीक है सुबीर जी, बहुत जल्दी तक खत्म करें। दूसरी बात नहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, जल्दी अभी आयुष जी मेरी बात खत्म नहीं हुई। गुड़गांव फरीदाबाद और एनसीआर क्षेत्र में जिस प्रकार से रेव पार्टियां चलती हैं, सारी तरह के नशे परोसे जाते हैं, सारे बड़े घरों के युवा उसमें आते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कभी इक्का दुक्का कोई बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, बहुत ज्यादा कोई बात होगी तो होती है। ये सारे नेक्सस को बहुत समूल बहुत एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का तोड़ने की जरूरत है। ठीक है अमित जी, यही सवाल सबसे गंभीर है ना। देखिए ये तो सबको पता है कि नेक्सस के बिना तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर सवाल उसके साथ ये भी आता है कि ये नेक्सस तोड़ेगा कौन और टूटेगा कैसे, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते कैसे इसको समझा जाए फिर। देखिए आयुष, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी बात चल रही थी थोड़ी देर पहले शराब के ऊपर, हालांकि शराब जो है और नारकोटिक्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होती, लेकिन चर्चा चली है नशे की, तो नशा तो है ही। बात यह है कि सरकार भी नशे में अवैध रूप से काम करती है और उसके प्रमाण हैं। प्रमाण ये है कि अभी एक बात उठी है, अगर कोई पंचायत ये रेजोल्यूशन पास करके दे कि हमारे यहां ठेका नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। मैं ये कहता हूं कि ग्राम पंचायत की कोई भी साथ नहीं है, क्योंकि यहां पे जब सुप्रीम कोर्ट की कोई भी साथ नहीं है, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ऊपर शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे, शराब नहीं परोसी जाएगी। उससे क्या हुआ कि गुड़गांव और फरीदाबाद में बहुत से ऐसे जो पब और बार थे वो इस परिधि में आ गए कि उनकी जो साथ सड़कें जारी थी उनको नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे का दर्जा दिया हुआ था। तो सरकार ने यह तोड़ निकाला कि उन सड़कों का स्टेटस ही चेंज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हमारे यहां इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो रही है, शराब के ठेके बंद नहीं हुए, शराब के जो बार है वो बंद नहीं हुए, लेकिन सांप भी मार दिया लाठी भी नहीं टूटी। तो देखिए सरकार भी अवैध रूप से काम करती है। आप पंचायत की बात करें, पंचायत की बिसात क्या है, जब जो सबसे बड़ी कोर्ट है देश की, उसकी कोई हैसियत नहीं है सरकार के आगे, एक बात ठीक है ना। दूसरी बात आप इस पे आते हैं, भांग है, भांग नारकोटिक्स एक्ट के अंदर आती है, तो उसके भी उत्तर प्रदेश में ठेके हैं। तो सबसे पहले तो एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि कौन सी चीज नशा करती है कौन सी नहीं करती। अब पड़ोसी प्रदेश में है भांग खूब धड़ल्ले से परमिट से बिक्री है, तो बात यह है कि इसके लिए एक केवल हरियाणा ही एक विक्टिम नहीं है, पूरा देश विक्टिम है और सबको मिलके पॉलिटिकल पार्टीज को अपने जो मतभेद हैं उनको बुला के इकट्ठा काम करना चाहिए। और आपने जो पूछी है बात कि नेक्सस क्या है, देखिए नेक्सस सही बात है, पुलिस और राजनेता, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो गुंडे हैं उनके गठजोड़ के बिना ये पॉसिबल नहीं है। अभी बात कर रहे थे अपने पुलिस ऑफिसर बैठे हैं अपने साथ में कि पुलिस जो छोटे छोटे जो सेवन करने वाले होते हैं उनको पकड़ लेती है। देखिए बहुत आसान है, उनको पकड़ने से पता चल जाता है 200 लगे और उसने बताया कि नशा कहां से मिला, उससे बड़े के पास जाएंगे, उससे बड़े को बताएगा, तो मेन विक्टिम जो है जो दोषी है उसके पास पहुंचना बड़ा आसान है। लेकिन क्या है कि वहां तक पहुंचते पहुंचते सिफारिशें आनी शुरू हो जाती है, वे छोड़िए छोड़िए ठीक है, तीन चार जो छोटे मोटे पकड़े और खाना पूर्ति की और सब कुछ माफ, तो उस स्थिति से बाहर आना पड़ेगा। सरकार में एक मजबूत मानसिकता दिखानी पड़ेगी सरकार को कि हम नशे के विरुद्ध हैं और हम कटिबद्ध हैं। ठीक है जगबीर जी, जब आपको भी पता है आप तो रहे प्रशासनिक सेवा में इतने लंबे समय तक, दरअसल ये जो नेक्सस है ये टूट क्यों नहीं पाता? आप भी अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो छोटे अपराधी होते हैं उनको ही पकड़ पाते हैं, जो मेन सरगना वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो फिर इसके पीछे की वजह भी बताते चले। देखो इसका सबसे बड़ा इशू तो ये है, मैं महसूस करता हूं कि भी जो लोग नशा करते हैं स्मॉल लेवल पे, वो पुलिस स्टेशन के लोग उससे आगे पहुंचते ही नहीं, कि ना तो उनके पास इतना आईक्यू है
और न ही उनकी इतनी एफिशिएंसी है कि उस केस को आगे तक ले जा सकें। दूसरी बात, अभी मेरे पत्रकार साथी बता रहे थे कि डेफिनेटली इसके अंदर प्रेशर्स आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर हो चाहे कैसा भी हो वो आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आपस में पॉलिटिक्स ना खेल करके इस मुद्दे को लेकर के एक मुहिम के तौर पे चलाया जाए, तभी हरियाणा बच पाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो सूत्रधार है वो SHO लेवल पे हर आदमी को इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई ड्रग एडिक्ट कौन कौन बच्चे हैं, उनका इलाज कराया जाएगा, उनका रिहैबिलिटेशन कराया जाएगा, जो सप्लायर है वो अपने आप पकड़े जाएंगे। अगर हमने इसमें सभी लोगों को शामिल नहीं किया गया और इस मुद्दे से भटका करें, कभी शराब की बात करें, इसकी करें, ये चीजें जायज नहीं है। हमारा जो अलार्मिंग चीज है वो नशा है, ये इसको रोकने के लिए हमें जो हरियाणा पुलिस की जो फेल्यूर मैं मानता हूं, उनका लाइसेंस नहीं है, सेंट्रल एजेंसी से लाइसेंस नहीं है, दिल्ली ब्रांच की स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच से लाइसेंस नहीं है, पंजाब की STF बनाई है इन्होंने एक उसको डील करने के लिए, उनसे इनका लाइसेंस नहीं है। मीटिंग करने से पर्पज सॉल्व नहीं होगा, ये ग्राउंड लेवल पे इनपुट्स को शेयर करना पड़ेगा। एक हमारे IB के अंदर कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती है जो जिसके अंदर BSF ITBP जितने भी बॉर्डर पे लगी हुई है, आर्मी इंटेलिजेंस ड्रग्स के ऊपर सब शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपके जो सोर्स आता है, इंटेलिजेंस इनपुट आती है, उस पर प्रॉपर एक्शन करके स्टेट गवर्नमेंट भी कोई ऐसा ऑफिसर नियुक्त करे जो उसको मॉनिटर करे और इस चीज को इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, मॉनिटरिंग का आपने सवाल उठाया संजय जी, ठीक है। अरविंद भरद्वाज जी, आयुष जी, दो तीन बातें जो अभी संजय जी ने कही थी, कि उन्होंने कहा कि हमने जो नशेड़ी हैं या ड्रग एडिक्ट हैं उनके लिए हमने नशा मुक्ति केंद्र बनाए हैं। कहाँ है नशा मुक्ति केंद्र संजय जी, अगर कोई बनाए हो तो जानकारी हमें भी दे, हमारी भी जानकारी दुरुस्त होगी, क्योंकि मैं जिस शहर से आता हूँ वो हरियाणा प्रदेश का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है, नंबर वन शहर है फरीदाबाद। मैंने तो अपने यहाँ कोई पौने पाँच साल में कोई नशा मुक्ति नया केंद्र कोई बना हो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर हो सकता है मुझे जानकारी ना हो तो आप मेरी जानकारी जरूर दुरुस्त करें, कहाँ बनाया, कब बनाया आपने। दूसरी बात, जो अभी बात चल रही थी शराब की, कि शराब में पंचायतें अगर लिख कर देंगी, साहब यही तो तरीका है, जो शराब का ठेके का जो लाइसेंस लाता है वो सबसे पहले सरपंच से ही कॉन्टैक्ट करता है, और जो दुकान उसे किराए पर चाहिए वो सरपंच से ही लेता है, और जहां तो गांव में जो किराए की जो दुकान है उसका रेट 1000-2000 है वो 10000-15000 देता है। इससे क्या सरपंच चुप हो जाता है, सरपंच बोलेगा नहीं और आराम से वो बेचता रहेगा। अब लोग कितना ही शोर मचाते रहे, ऐसे दर्जनों मामले हैं जहां महिलाओं ने विरोध किया ठेकों का, और यहां तक भी हुआ कि कुछ ठेकों में तो महिलाओं ने तोड़फोड़ की, आग तक लगाई नाराज होकर। एक फरीदाबाद की घटना है जहां महिलाएं एक सेक्टर में शराब का ठेका खुल गया, उस सेक्टर की सारी लेडीज इकट्ठी होकर दो दिन तक अनशन पर धरने पर बैठी रही लगातार उस ठेके के खिलाफ, जब तीसरे दिन वो बंद हुआ। तो ये स्थिति है। आप एक बात बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि शराब गुजरात के लोगों के लिए नुकसान करती है इसलिए आपने गुजरात में बैन कर दिया, आपको लगता है बिहार के लोगों के लिए शराब नुकसान करती है आपने वहां बैन करा दिया, परंतु आपको लगता है हरियाणा के लिए शराब बहुत अच्छी है इसलिए आपने गांव गांव तक, कॉलोनी कॉलोनी, घर घर तक शराब के ठेके पहुंचा दिए। एक लाइसेंस लेकर लोग 10-10 ठेके चला रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक शय उनको मिलती है, क्योंकि आपके विधायकों के कहीं ना कहीं संबंध है, कोई अधिकारी उन पर छापा नहीं डाल सकता, उनको रोक नहीं सकता। तो ये जो चीजें आप कर सकते थे सबसे पहले, उन पर तो रोकथाम आपको लगानी चाहिए थी, कि जो गांव गांव तक जो ठेके पहुंच गए हैं उनको बंद कराना चाहिए था। अभी आपने कहा कि नहीं नहीं, अगर पंचायत लिख कर देगी तो हम बंद कर देंगे, तो साहब पंचायत क्यों लिख कर दे? आप ये नियम लाइए कि जो पंचायत कहेगी हमारे यहाँ ठेका लाया जाए तब हम ठेका खोलेंगे। एक पंचायत नहीं मिलेगी हरियाणा में, मैं दावा कर रहा हूँ, एक पंचायत। संजय जी देखिए, जगबीर जी ने भी कुछ सवाल उठाए कि इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ठीक है, जगबीर जी की बात का जवाब भी दें। आपने जवाब नहीं दिया ना, ठीक है, जगबीर जी आपके बराबर में बैठे, उसका भी जवाब दीजिए, जगबीर जी की बात का जवाब दीजिए, ठीक है, दोनों लोग के जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया, इसको डिस्करेज ही किया है ताकि चीजें बढ़े ना। जैसे आप रिहैबिलिटेशन सेंटर की या नशा मुक्ति केंद्रों की बात करें, जिला का जितने भी अस्पताल हैं, हर अस्पताल के अंदर एक नशा मुक्ति केंद्र सेल अस्पताल आप करके देख सकते हैं। फरीदाबाद के भी जिला स्वास्थ्य केंद्र के अंदर वो है, आप जाकर देखेंगे, सेल पहले से चलता है। दूसरी
आपने कुछ नया नहीं बनाया। अब आप क्या होता है और क्या होता है। दूसरी बात, आपकी बात का जवाब दे दिया। दूसरी बात, जो आपने कहा कि सरपंच, इसका मतलब आपने सरपंच के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि सरपंच भी मिली भगत कराया। देखिए, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर लोगों का प्रेशर उसके पर आएगा, महिलाओं का प्रेशर उसके पर आएगा, तो स्वाभाविक रूप से वो लिख करके देगा सरकार को कि पंचायत लिख कर दे कि हमें शराब का ठेका चाहिए। आप उसको देखिए, अरे भैया आपके हिसाब से थोड़ी पॉलिसी बनेगी। क्यों नहीं ला, जनता के हित में तो लाएंगे ना। आपका स्वागत है, आपके स्वागत, आपके सुझाव जनता के हित में लाएंगे नहीं लाएंगे, या शराब माफियाओं के हित में लाएंगे। आपका सुझाव, अरे भैया किसी शराब माफिया के हित में नहीं है, ये पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की। और जहां तक ये केंद्र का मसला नहीं है कि बीजेपी पूरे देश के अंदर एक तरह की पॉलिसी लागू कर देगी, प्रदेश का मामला है। हरियाणा प्रदेश ने इस तरह से पॉलिसी बनाई तो उस तरह से चल रहा है। अगर सरकार के को ध्यान में इस तरह की है कि शराबबंदी लागू करनी है तो सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो मुख्य विषय है वो शराब का नहीं है, मुख्य विषय है जो तस्करी के द्वारा ऐसी ड्रग्स हमारे यहाँ आती है, उसके लिए सामाजिक जागरूकता, अपनी नौजवान पीढ़ी को बचाना। शराब से मुझे लगता है कि उतना दिक्कत नहीं है जितनी दिक्कत इन चीजों से है जो कि बैन है, नारकोटिक एक्ट के अंदर जो चीजें आती हैं, मुझे लगता है उनकी और अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे, उसमें पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग की बात है। संजय जी, उसका भी मीटिंग से हल नहीं निकलेगा। जगबीर जी तो यही बात कह रहे थे ना, ठीक है, नशे की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नहीं। जगबीर जी खुद ही इस बात को कह रहे हैं, वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेफाक नहीं है। सरकार ने तो उसका इनिशिएटिव लिया है, आप उस बात की प्रशंसा कीजिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने अगस्त 2018 में 5 राज्यों की बैठक बुलाई, इसलिए तो बुलाई ताकि कोऑर्डिनेशन हो। एडीजीपी जो है उनको कोऑर्डिनेशन का अधिकारी बनाया, सचिवालय खोला पंचकुला के अंदर, इसलिए तो खोला कि एक अधिकारी इसी काम की मॉनिटरिंग करेगा। तो ये शुरुआती चीजें हैं, लेकिन बहुत आगे तक जाना है। मैं नहीं कह रहा सब चीजें हमने एकदम सेट कर दिया, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव के परिणाम भी आने लगे हैं। अगर हरियाणा के अंदर आपको ज्यादा मुकदमे नारकोटिक के दिख रहे हैं तो इसलिए दिख रहे हैं कि सरकार उसके प्रति कदम उठा रही है, लोगों को पकड़ रही है। पुरानी सरकारों में तो लोगों को पकड़ते थे और पैसा लेकर के छोड़ देते थे अधिकारी, राजनेताओं का भी संरक्षण उनको होता था, सरकार के लोगों का भी संरक्षण होता था। हमने किसी को सुरक्षित नहीं किया, किसी को संरक्षण नहीं दिया। जो भी ऐसा अपराधी पकड़ा गया, जो भी ऐसा ड्रग वाला पकड़ा गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, इसलिए तो ज्यादा मुकदमे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, सुखबीर तंवर जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। सुखबीर तंवर जी, आयुष जी, अभी कुछ दिनों पहले कई तरह के वीडियोज जारी हुए जिनमें सरपंचों की मिली भगत है, उसके बाद पुलिस की मिली भगत है, वीडियो में सरेआम दिखाया गया, बताया गया। तो ये जो जिस प्रकार की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात, धरातल पे एक भी रिहेबिलिटेशन सेंटर काम नहीं कर रहा है। कहने को कागजों में बना दो, लेकिन किसी भी अस्पताल में आप खुद जाके देख लो, अपनी टीम भेज के देख लो, अगर कहीं भी रिहेबिलिटेशन सेंटर किसी भी सरकारी अस्पताल में काम कर रहा हो। दूसरी बात, जो शराब और मादक द्रव्यों की जो बात आई, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके बाद जो उसका पसंदीदा नशा है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो हीरोइन है, चाहे वो गांजा है, शराब इन सारे मादक पदार्थों के का सेवन करने के लिए उस पीड़ित व्यक्ति को मजबूर करती है। इसलिए हम शराब को इन मादक द्रव्यों से, पदार्थों से अलग नहीं रख सकते। शराब इन सारी चीजों की जननी है। जिसको एक बारी लत लगी, अगर उसने शराब थोड़ी बहुत पी ली तो तुरंत प्रभाव से वो जो उसका पसंदीदा नशा है उसके वो वहां जाएगा ही जाएगा, ये कन्फर्म बात है। इसको आप किसी स्पेशलिस्ट से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अमित नेहरा जी, एक सवाल मेरा यह भी है कि देखिए, जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं या फिर सरकार जो तमाम तरीके की कवायद कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि ये काफी है इस तरीके के नेक्सस को तोड़ने के लिए, इन सारी चीजों पे लगाम लगाने के लिए? क्योंकि आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत समय से देख रहे होंगे इन चीजों को, क्या ये काफी नजर आ रहा है आपको? आयुष, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ आयुष है। मैं तो ये कहूंगा कि आग धोने का काम है। अभी संजय जी ने एक बात कही कि हर जिले में रिहैबिलिटेशन सेंटर है, नशा मुक्ति केंद्र है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे नशा छुड़वाने के लिए लोग आते भी होंगे, अपने परिजनों को लाते भी होंगे, जो आता है वो जरूर नशा भी करता होगा। तो उनसे पूछ के करना चाहिए एंट्री उनकी कि आपने नशा कहां से लिया, किस क्षेत्र से लिया। वो अगर बताता है कि मैंने फला एरिया से नशा लिया, तो उसे एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, भाई आपके क्षेत्र में यह कैसे बिका।
ठीक है ना, जो जो भी मरीज भर्ती हो तो उसे ये जरूर पूछा जाए कि आपने नशा कहां से लिया है, तो उसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि फला पुलिस स्टेशन। देखिए हरियाणा का चप्पा चप्पा जो है वो किसी ना किसी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है और वहां पे एक प्रॉपर पुलिसिंग है, पुलिसिंग व्यवस्था है, तो उस क्षेत्र उस थाना क्षेत्र की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए कि वहां पे नशा बिका क्यों। जब थाना क्षेत्र अध्यक्ष की जब जिम्मेवारी आएगी तो मुझे नहीं लगता कि चिड़िया पर मार जाए, उसके हिसाब से उसको प्रमोशन हो, डिमोशन हो, उसको बर्खास्तगी हो, टर्मिनेशन हो, तो जब तक ये नहीं होंगे तब तक तो मीटिंग मीटिंग खेले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जी आयुष, ठीक है संजय जी, जवाब दे दें फिर इस बात का भी, क्योंकि जो मौजूदा व्यवस्थाएं हैं उससे न संतुष्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पे कोई भी जितने भी पैनलिस्ट हैं, और सभी ये कह रहे हैं कि नाकाफी नजर आ रहा है। भले ही तमाम बातें आप कह रहे हो लेकिन धरातल से इनका कोई वास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा। नहीं आयुष, ये बात ठीक है, देखिए वो नाकाफी है, हम भी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको दुरुस्त करके और चीजों को ठीक दिशा की ओर लेके जाने में आगे बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ मीटिंग्स करते हैं, देखिए किसी चीज का इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है ना, शुरुआत तो करनी पड़ती है ना, शुरुआत करने के लिए मीटिंग भी करेंगे, तो मीटिंग करके ही तो प्लान करेंगे, तो जो भी प्लान करेंगे उसको फिर इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये कह देना कि सिर्फ मीटिंग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है, प्लान किया, उस प्लान के आधार पर कार्यालय खुला है, सचिवालय खुला है, कमेंट ले लेते हैं सबसे, अब की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है जगबीर जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है जगबीर जी की बात सुनते हैं, अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। जगबीर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये कह रहे हैं कि भी उसमें एक्शनेबल हुआ, कोई एक्शन इसके अंदर नहीं हुआ है। इशू सिर्फ ये है कि आप इसको टेस्ट के तौर पे देखिए, पहले तो इनको प्रॉपर टास्किंग ही नहीं की गई कि हमारा एक्शनेबल पॉइंट क्या है, हमने क्या करना है इसके बारे में। मैं समझता हूँ किसी को इस बारे में इल्म नहीं है ग्राउंड लेवल पे, खासकर एसएचओ लेवल से नीचे तो बिल्कुल किसी को पता नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ टेस्ट करके देख लो, आप किसी भी एक एसएचओ से फोन पे पूछो कि भी आपके यहाँ पे नशा करने वाले, दारू को छोड़ दे, दारू को मैं इसमें इतनी ग्रीवियस चीज नहीं मानता हूं, बाकी नशा करने वाले लोगों कितने लोग हैं, क्या उनकी आपके पास लिस्ट है, आप उनसे लिस्ट मांगे, कहीं भी 100 हैं, तो अगर आप उसको फिजिकल वेरिफिकेशन को तो उसमें 300 निकल आएंगे। तो जब आदमी अपने गांव वर्क ही नहीं कर रहा, ग्राउंड लेवल पे वर्क ही नहीं कर रहा, तो उसको कैसे काबू कर सकते हैं। आपका इरादा इतने मजबूत होने चाहिए कि आप सोशल वर्क ड्यूटी के साथ साथ सोशली कनेक्टेड हो और एक एक बंदे तक पहुंचे, उनके घर वालों से कॉन्फिडेंस से रैपर्ड कायम करें, और वो एक नशाड़ी से दूसरी नशाड़ी सबके पास एक चेन बन जाती है, पूरी की पूरी चेन है। जब तक इस चेन को हम तोड़ेंगे नहीं, ये चीज पे इस पे काबू नहीं किया जा सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ठीक है अरविंद जी, लास्ट कमेंट। एक मौका सरकार को मिला, जैसे अभी ये जो सोनीपत की घटना है जिसमें ये पदार्थ जो पाए गए हैं, हेरोइन जिसे बताया जा रहा है, इसमें जिस एसएचओ जो थानेदार के एरिया में ये पकड़ी गई है और उसे जानकारी भी नहीं है, क्यों ना सरकार को उसे सस्पेंड कर देना चाहिए था, क्योंकि उसके जो थाना क्षेत्र है उसमें अगर करोड़ों की हेरोइन बरामद होती है और उसे कोई जानकारी तक नहीं है तो जिम्मेवारी किसकी है। अगर ये एक को सस्पेंड कर दिया गया होता, पूरे हरियाणा के जितने थानेदार हैं उनको सबको ये समझ आ जाती कि अगर आपके क्षेत्र में इस तरह की जो हेरोइन या कोई और पदार्थ अगर बिकेगा तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। ये नेहरा जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, क्योंकि एक थानेदार को अपने क्षेत्र का पूरी जानकारी होती है, कहां कहां क्या क्या इलीगल काम चलता है, कौन कौन क्रिमिनल बदमाश मेरे एरिया में, पूरा जानकारी होती है। तो अगर उनकी जवाबदेही तय कर दी जाएगी काफी हद तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जो ये नेहरा जी के, ये अपने संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उतनी हमको प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सरकार की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, सरकार जिम्मेवारियों से बच नहीं सकती, ये जिम्मेवारी आपकी है। और कहीं ना कहीं सामाजिक जो जिस तरह से एक अभियान चलाना है उसकी भी जिम्मेवारी सरकार की है, वो भी आपको निभानी है, आप बच नहीं सकते। ठीक है सुखबीर जी, आखिरी कमेंट फाइनल आपका। आयुष जी, जिस प्रकार से संजय शर्मा जी की इस डिबेट में बात रही, इन्होंने सिवाय आंखों में प्रदेश के झूल झोंकने के कोई नहीं काम किया, और पूर्णता इस पिछले 5 वर्ष के जो शासनकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा, नशा तस्करी के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस प्रकार के काम होने चाहिए थे उनमें, चाहे वो रिहेबिलिटेशन की बात है, चाहे वो नशा तस्करों को गिरफ्तार करके सजा दिलाने की बात है, पूर्णता विफल रही है। संजय जी बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका, कैसे निपटेंगे? देखिए प्रशासनिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके बारे में बड़ी जागरूक है, हम अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, हम सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ये सरकार है, हमें पता है कि ये जो चीजें हैं, ये जो बुराई है, इनको नाश करना ये सरकार का प्राथमिक दायित्व है, लेकिन इसके साथ समाज को हम इसके साथ जोड़ रहे हैं।
ताकि इस बारे में जागरूकता ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसको जोड़े। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधार रहे हैं, हम पुलिस को भी ई लर्निंग के माध्यम से ट्रेनिंग दे करके ताकि वो अपराधियों को पकड़ने में और अपराधियों को सजा दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभा पाए। ये भी हमारी सरकार के अहम कदम है जिसको हम उठा रहे हैं और भविष्य में और ज्यादा बेहतर तरीके से करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि जो सवाल है हम अभी भी ये बरकरार है क्योंकि आखिर इसका जो जिम्मेदार है वो कौन है, लगाम कैसे लगेगी, ये अपने आप में एक अहम सवाल है और देखना ये होगा कि क्या जो मौजूदा सरकार है जो तमाम कोशिशें कर रही है उससे इस पर लगाम लगेगी या फिर नहीं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।